आपके डॉक्टर को ये अच्छी तरह पता होता है कि आपको डिलीवरी के लिए एडमिट करने के बाद दर्द बढ़ाने के ये इंजेक्शन आपको कब लगने हैं और कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए लगने हैं। इस इंजेक्शन के साथ साथ आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, आपका लेबर प्रॉपरली प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, सर्विक्स डायलेट हो रही है नहीं, बच्चा नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे ने मेकोनियम तो यानी मोशन तो पास नहीं कर दिया, या बच्चे की दिल की धड़कन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। अगर इस तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिए या नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंडीशन फेवरेबल ना हो तो ये दर्द के इंजेक्शन बंद कर दिए जाते हैं और सीजेरियन सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को नज़र में रखते हुए अगर आपके डॉक्टर ये डिसीजन ले कि इमरजेंसी में सीजेरियन करना पड़ेगा तो आप उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए और इस डिसीजन में एग्री कीजिए, क्योंकि इसी में माँ और बच्चे की भलाई हो सकती है।